आज मैं आपको एक ऐसे लोहरी से मिलवाने ले जा रहा हूँ कि जिसकी सोच अपने जमाने से कहीं ज्यादा आगे थी। सादत हसन मंटो वॉज बॉर्न इन 1912 एंड 1955 में उनकी डेथ के बाद उन्हें लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन किया गया। एज ए राइटर मंटो यूज टू राइट वेरी प्रोग्रेसिव स्टोरीज और 6 बार फहाशी के इल्जाम में कोर्ट भी जाना पड़ा, लेकिन उनका आगे से रिस्पॉन्स यही होता था कि अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि ये जमाना ही नाकाबले बर्दाश्त है। मैं तहजीब व तमद्दन की और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं इसे कपड़े पहनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए कि ये मेरा काम नहीं, दर्जियों का है। मंटो साहब की कब्र का एग्जैक्टली लाहौर शहर के बीच में होना इज ए रिमाइंडर कि इस तरह के आज़ाद ख्याल लोग भी हमारे ही बीच में मौजूद हैं। और आजकल के माशरे में जहाँ पे लिखने पर, बोलने पर, सोचने पर पाबंदियाँ आयद हैं, ऐसे लोग वो बातें लिखें, वो बातें कहें जो कि माशरे को अपना हकीकी चेहरा दिखा सकें और लोगों को सोचने पर मजबूर करें।